नमस्ते, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी विल लर्न यूनिट 3, पोयम अ स्माइल। टुडे वी विल डू सम मोर एक्सरसाइज। हेलो चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 3, योर फेवरेट पोयम, राइट? अ स्माइल। टुडे वी विल लर्न सम न्यू एक्सरसाइज इन दिस पोयम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 41, this one, right? Okay, there is exercise say aloud, right? Okay, what is the meaning of say aloud? You have to say aloud, zor se, right? Zor se hume spell out karna hai. Yahan pe thode spellings aapko dikh rahe hain, to aapko yahan pe four columns hai, 1, 2, 3, 4, there are four parts of the spellings, right? तो आपको क्या करना है, आपको स्पेलिंग बहुत ही लाउडली से अल्लाह जोर से हमें स्पेल आउट करना है, राइट? ओके, फर्स्ट वी विल सी ऑन द फर्स्ट कॉलम, राइट? अब अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करना और वीडियो में भी लेते जाना और आपकी बुक में भी रीड करते जाना, राइट? तो बहुत ही मजा आएगा। यू हैव टू सी द फर्स्ट कॉलम, देयर इज टी आर यू एन के, T-R-U-N-K, trunk, very good. Now you have to spell two times, right? S-U-N-K, sunk. Dekho, first one sa hai, trunk, sunk, and last is J-U-N-K, chunk. Wow, trunk, sunk, chunk. Dekho, kaisa rhyme hai, bahut hi, trunk, sunk, and chunk. Now, this is very interesting, right, student? Now, let's do the second column. S-I-N-K, think. T-H-I-N-K, think. P-I-N-K, pink. Wow! Sink, think, pink. It's very nice, right? The same rhyming words here are. First is strong, some, chong. And second column is sink, think, pink. Now we will see our third column, right? Look at the number 3. W-R-I-N-K-L-E, wrinkle. W-R-I-N-K-L-E, wrinkle. W-R-I-G-G-L-E, wrinkle. W-R-I-G-G-L-E, wrinkle. W भी ऐसा ही एक लेटर है जिसमें यहाँ पे आपने देखा रिंकल रिंकल
ऐसे कि डब्ल्यू का साउंड यहाँ पे नहीं आता है, और थोड़े से स्पेलिंग ऐसे होते हैं तो जिसके डब्ल्यू के साउंड आते हैं। Here, तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, और ऐसा नहीं है सिर्फ डब्ल्यू, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिसमें वर्ड्स में साइलेंट हो जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे रीड करते जाएंगे वैसे वैसे मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देती जाऊंगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा से अलाउड कंप्लीट होता है, राइट चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन वी विल सी से अलाउड देयर इज अ वन मोर थिंग, राइट। तो यहाँ पे आपने वर्ड्स देखे होंगे वॉक मोर रैप एंड जोक, राइट। तो आपकी टेक्स्ट बुक में सेम थिंग यहाँ पे है, यहाँ पे राइट नीचे आपको रीड करना है राइट डाउन। ओके, लुक एट द वर्ड्स टॉप, राइट। आप यहाँ पे देखना टी ए एल के टॉप। अब मैंने क्या लिखा है टॉप, आपने क्या लिख लिया टॉप। तो टॉप में यहाँ तो एल है, यू कैन सी एल, तो ये एल का साउंड क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे टॉल क्यों नहीं बोल रहे हो, एल में तो आपको एल का साउंड बोलना चाहिए ना। नहीं, नो, क्योंकि यहाँ पे एल क्या है, लुक एट, लुक एट द वर्ड टॉल, हियर एल इज साइलेंट। नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। तो यहाँ पे आपने जैसे ही देखा कि टॉप में एल साइलेंट है, वैसे ही यहाँ पे वॉक मोर रैग एंड जोक, यहाँ पे टोटल फोर वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे भी उसका भी लेटर्स थोड़े लेटर्स ऐसे हैं जो साइलेंट है, राइट। तो हमें वही देखना है विच लेटर इज साइलेंट इन दिस वर्ड। फर्स्ट इज डब्ल्यू ए एल के वॉक, वेरी गुड वॉक। तो यहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट हुआ बच्चों, यस एल, राइट। एल यहाँ पे साइलेंट है ना, राइट। ओके, हियर यू कैन सी एम ओ आर ई मोर, वेरी गुड। मोर में कौन सा लेटर साइलेंट आपको दिखा, ई, राइट, मोर, राइट, वेरी गुड। तो अब आपको ऐसे ही जैसे आप वर्ड्स को रीड करते जाओगे, मैंने आपको कितने सारे स्पेलिंग्स आपको मैं पेश की हूँ, राइट। तो आप जैसे जैसे स्पेलिंग्स को रीड करते जाओगे बाय हार्ट, बहुत ही याद करते रहोगे, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है, राइट। तो आप जल्दी से उसमें से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज डब्ल्यू आर ए पी रैप, देखो रैप क्या साउंड आया आगे, रैप। तो यहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट हुआ, डब्ल्यू। हम रैप नहीं बोलते, रैप बोलते हैं, राइट, वी से रैप। नाउ नेक्स्ट इज जे ओ के ई जोक, जोक। तो यहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट है बच्चों, ई, वेरी गुड। तो आपने देखा हमने तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे वर्ड्स के लेटर साइन फाइंड आउट करिए कि कौन सा लेटर साइलेंट है, राइट। तो आप ऐसे ही हमारी टेक्स्ट बुक में लेसन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, फिर आपके फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो कि चलो आई विल गिव यू 10 वर्ड्स, यू कैन फाइंड मी ऑन सम लेटर्स, जिस लेटर्स साइलेंट है वो लेटर्स आप मुझे फाइंड करके बता सकते हो, राइट। तो ऐसे बहुत ही क्लेवर इंप्रेशन हमारी बनती है कि इसको देखो कितने सारे अच्छे वर्ड्स आते हैं, राइट। ओके, सो चिल्ड्रन यू हैव टू रीड दिस वर्ड्स, राइट, एंड से अलाउड, यू हैव टू से अलाउडली एंड प्रैक्टिस एट होम, राइट चिल्ड्रन। ओके, सो नाउ चिल्ड्रन आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द से अलाउड, देयर इज अ All the following words have an I sound that rhymes with mine. Can you fill in the letter and then say the words aloud? तो children, यहाँ पे आपके पास four words हैं, right? तो आपको क्या करना है? चल जैसे कि आपने यहाँ पे example के तौर पे देखा my, तो spelling क्या है? M Y my.
लेकिन हम साउंड क्या लिखे माई आई। फिर से बोलो एम वाई माई, कौन सा साउंड है आई, राइट। तो ऐसे ही आई साउंड एंड आई साउंड दैट राइम्स विद माई कैन यू फिल इन द लेटर्स एंड हेंस से द वर्ड्स अलाउड। तो यहाँ पे हमें क्या फिल अप करना है आई, वी हैव टू फिल अप आई एंड देन वी हैव टू स्पेल द स्पेलिंग अलाउड, राइट। द फर्स्ट वर्ड इज इफ यू कैन सी फर्स्ट वर्ड राइट, लुक एट द दिस वर्ड एस एम ब्लैंक डैश एल ई। नाउ विच स्पेलिंग इज दिस स्माइल, राइट, एस एम आई एस एम आई एल ई स्माइल। फिर से बोलो स्माइल, आई साउंड आया, यस वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वर्ड इज लुक एट दिस वर्ड राइट, ओके के डैश टी ई, विच वर्ड इज दिस चिल्ड्रन, कैट, वेरी गुड, के आई टी ई कैट, के आई टी ई कैट, विच साउंड आई, वेरी नाइस स्माइल कैट। नाउ नेक्स्ट वर्ड वी विल सी दिस वन एम डैश सी ई, विच वर्ड इज दिस एम डैश सी ई, ओके एम आई सी ई माइस, एम आई सी ई माइस, वेरी गुड, विच साउंड आई, वेरी नाइस। जैसे ही आप लाउडली बोलोगे ना तो आपको साउंड सुनाई देगा, लेकिन ऐसे धीरे धीरे बोलोगे ना तो मैडम को तो कुछ सुनाई नहीं देने वाला, आपको भी पता नहीं चलेगा कौन सा साउंड निकला, राइट। तो आपको कैसे साउंड करना है, से अलाउड, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है से अलाउड, तो आपको से अलाउड, यू हैव टू से अलाउडली, किसी से डरना नहीं है, जोर जोर से बोलो, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एल डैश एन ई, ओके नाउ वी विल राइट आई, एल आई एन ई लाइन, वेरी नाइस लाइन, सी इट वन मोर टाइम एल आई एन ई लाइन, वेरी गुड। फर्स्ट वर्ड यू विल सी वन मोर टाइम, यू हैव टू रिफर इट एंड यू कैन फिल दिस आंसर्स इन योर टेक्स्टबुक आल्सो, राइट। एस एम आई एल ई स्माइल, K I T E guide, M I C E mice, L I N E line, very nice. So here our activity is complete, right? Say aloud. Now there is a one riddle time. Which is the longest word in the world? Socho, which is the longest word? ऐसा कौन सा वर्ड है जो लॉन्गेस्ट है, जो सबसे लॉन्ग है, कौन सा ऐसा आंसर होगा, क्या आपको पता है? मुझे तो आइडिया नहीं आ रहा, सोचो, कोई बात नहीं, चलो सोचते हैं हम साथ में। इट इज वेरी सिंपल, राइट, ओके आई विल गिव यू द आंसर ऑफ इट, राइट। द आंसर इज एस एम आई एल ई, आपको कौन सा वर्ड दिख रहा है, एस एम आई एल ई स्माइल। तो स्माइल वर्ड कैसे हुआ लॉन्गेस्ट वर्ड, ये तो इतना छोटा सा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो सिर्फ 6 लेटर्स है, तो ये कैसे लंबा हुआ आप बता सकते हो, यस राइट। तो ये बहुत ही क्लियर है बिकॉज देयर इज 1s राइट एंड 2s, कितने s है यहाँ पे, 1 and 2, और बीच में क्या है यहाँ पे m i n e mile, यहाँ पे क्या है mile, 2s के बीच में इधर पे mile है, ओके। सो आंसर इज बिकॉज देयर इज अ mile बिटवीन 2s, 2s के बीच में mile है, s और दूसरे s के बीच में mile है, बहुत ही ज्यादा लंबा है, स्माइल करो, वेरी नाइस। तो हमारा चैप्टर नंबर लेसन का नाम भी यूनिट का यही है स्माइल, राइट। तो आप
आपको ये लेसन बहुत ही स्माइल करके इजीली आपको करना है, बहुत मजा आएगा, राइट? ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.